बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डाडर में और आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा कितना खूबसूरत है ये डाडर। मानसहरा से तकरीबन 2 घंटे की ड्राइव पे, बल्कि ये डिपेंड करते हैं ट्रैफिक पे कितनी ट्रैफिक है। चलें देखते हैं डाडर। डाडर जाने के लिए मानसहरा सिटी से तकरीबन 22 किलोमीटर में आप शिनकैरी पहुँच जाएंगे। शिनकैरी से थोड़ा सा आगे जाने के बाद आपको 2 रास्ते मिलेंगे। पुल वाले रास्ते पर तकरीबन 9 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद आप आसानी से डाडर पहुँच जाएंगे। कुदरती, हसीन, दिलकश और दिल को मोल लेने वाले मनाजिर आपको डाडर में हर जगह दिखाई देंगे। दरख्तों के दरमियान सीना चीरती हुई ये सड़क यहाँ की खूबसूरती में इजाफा करती है। बुलंदो बाला, गन्ने, सरसब दरख्त और इसके बगल में लहलहाते खेत इस वादी की खूबसूरती का मुंह बोलता सबूत है। ये डाडर गेस्ट हाउस है जो कि बहुत खूबसूरत और मेरा पसंदीदा है, और तस्वीर निकालने के लिए सबसे अच्छी जगह ये गेस्ट हाउस है। रात को डाडर में रुकने के लिए आप कैंपिंग भी कर सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ गेस्ट हाउस भी हैं, वहाँ भी आप रात गुजार सकते हैं। इंसान को हैरत की वादी में धकेलने वाली इस सड़क के साथ दरियाए सिरन बहता है जो कि डाडर की खूबसूरती को दुबला कर देता है। ये ठाटे मारता दरिया अपनी लहरों से कानों को सुरूर पहुंचाता है।
आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आप अपने गांव का, अपने एरिया का व्लॉग बनवाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, या मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और वहां अपने गांव का नाम बताएं तो हम आपके गाँव का भी व्लॉग बनाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगेवान।